Good morning, children. Hope you all are fit and fine. Children, in my last video, we have done the same chapter, lesson 7, Fair Play by Premchand, written by Premchand. And in that video, I had explained to you about the first and the second part of the chapter. And in this video, I'm going to explain you the third part of the chapter. Okay, before I start my chapter, first of all we will recall the chapter ki aapne piche kya padha hai, theek hai? So children, in this chapter there were two friends. Aapko maloom hai ki two friends the Jumman and Albu Chaudhary. Jumman Sheikh and Albu Chaudhary, they were very good friends. And the Jumman's aunt, she transferred her property to Jumman. उन्होंने अपनी सारी property जो है किसको transfer कर दी थी? Jumman को. And Jumman cheated her aunt. और Jumman ने क्या किया था? Cheat किया था अपनी aunt को, है ना? And then what happened? The aunt, she took her case to the panchayat, village panchayat के पास ले गई थी, because Jumman cheated her aunt, है ना? And then the bond between the Jumman and the Albu Chaudhary was broken. ठीक है, तो जो उनका friendship bond था, एक उनकी जो आपस में friendship थी वो खत्म हो गई. ठीक है, so children, now I will start part 3 of the lesson. So we will start now part 3 here given. Days passed and as ill luck would have it, Albu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu. ठीक है, अब क्या हुआ कि काफी दिन बीत गए. ठीक है, अब जो है अल्बू चौधरी का जो है बुरा समय समझ लो आप आ गया. ठीक है, और उसको लग रहा था कि उसके साथ सब गलत हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि उसका जो एक पेयर था, उसके पास बुलक का पेयर था, उसमें जो वन बुलक था दैट डाइड. ठीक है, और उसने एक जो बुलक था वो किसको सेल कर दिया था? समझू साहू को. ठीक है, एंड ही सोल्ड वन बुल टू द समझू साहू को. एक की तो डेथ हो गई, डाइड, मर गया था बुलक, और दूसरा जो है उसने किसको सोल्ड कर दिया? समझू साहू को, जो कि एक कार ड्राइवर था विलेज में. ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. आप उन्होंने आपस में क्या बात की थी कि जो समझू साहू है उसको वन मंथ के अंदर ही विल पे ऑल हिज मनी टू द अल्बू चौधरी. जो बुलक की मनी है वो सारी जो है वो अल्बू चौधरी को दे देगा विद इन वन मंथ. ठीक है, it is so happened that the bullock died within a month. अब क्या हुआ कि decide तो ये हुआ था कि one month में जो है समझू साहू जो है वो उसको सारी money जो है pay कर देगा अल्बू चौधरी को बुलक की. ठीक है, लेकिन within a month ही क्या हुआ, the bullock died. वो वाला भी बुलक जो था वो मर गया. ठीक है, several months after the bullock's death, अल्बू reminded साहू of the money he had not yet paid. अब जब वो बुलक की भी डेथ हो गई दूसरे वाले की भी, तो जो अल्बू चौधरी था उसने याद दिलाया साहू को दैट ही हैड टू पे द मनी फॉर द बुलक टू द अल्बू चौधरी, की उसने तो मनी दी नहीं है अल्बू चौधरी को वापस. ठीक है, सो साहू गॉट वेरी एंग्री. ठीक है, एनॉयड मींस एंग्री. साहू को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि ये वो जो है किस बात के पैसे मांग रहा है. एनॉयड, एनॉयड, ठीक है, दैट इज एंग्री, एनॉयड, एंग्री. तो वो बहुत ज्यादा उसे इरिटेट हो जाता है जब वो उसको कहता है ऐसे. ठीक है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी. कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है कोई भी पैसा नहीं दूंगा उस रेस्ट बीस्ट के. रेस्ट बीस्ट मतलब पुअर. ठीक है, पुअर जो उसने उसको बुलक दिया था, कहते हैं मैं उसको जो उसकी जो है कोई भी मनी तुम्हें नहीं दूंगा. ठीक है, क्योंकि वो तो मर गया. ठीक है, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन. कहते हैं उस बुलक से मुझे कुछ तो मिला नहीं. ठीक है, मेरा तो बल्कि नुकसान ही हुआ है. आई हैव अ बुलक यू
and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब कहते हैं कि मेरे पास एक बुल्क है, तुम उसको ले जाओ, वन मंथ के बाद रिटर्न दैट बुल्क टू मी एंड आई विल नॉट पे द मनी फॉर द डेड बुल्क. कहते हैं जो मर चुका उसके लिए मैं कोई मनी पे नहीं करूंगा. तुम्हें है अगर तो मेरा बुल्क जो है वन मंथ के लिए अपने पास रख सकते हो. ठीक है. अल्लू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अब अल्लू को भी लगा कि उसको जो ये अपना केस जो है पंचायत में ले जाना चाहिए. पंचायत मैंने आपको बताया था ना कि विलेजेस में होती हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं विलेजेस के वो सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो ही आल्सो डिसाइडेड टू टेक हिज केस टू द पंचायत फॉर अ सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड. अब दोबारा से सेकेंड टाइम जो है एक पंचायत की जो है उन्होंने प्लान किया. ठीक है कि पंचायत बुलाई जाए. एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. आप जो है दोनों ही अल्लू चौधरी और समझू ये जो साहू था दोनों ही जो है लोगों से मिलने लगे टू टेक देयर सपोर्ट. ठीक है कि वो उनका साथ दे. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड वैगन. ठीक पहले जो पंचायत हुई थी इन केस ऑफ द ओल्ड लेडी एंड अल्लू चौधरी तो वो भी जो है वैगन ट्री के नीचे हुई थी. एंड अगेन द सेकेंड पंचायत इज अंडर द वैगन ट्री. अल्लू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. अल्लू दोबारा से खड़े होकर वही बात कहते हैं कि जो डिसीजन होगा वॉट एवर इज द डिसीजन ऑफ द पंच इज That is the decision of the God कि मैं उसी को मानूंगा. ठीक है. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision. कहते हैं कि Sahu जो है अपने मन से जो है किसी को भी पंच चुन सकता है और जो भी वो चुनेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा. Sahu saw his chance and proposed the name of Juman. अब Sahu को मौका मिल गया और उसने Juman का नाम प्रपोज कर दिया इसके लिए as a head punch. अल्लू's heart sank and he turned pale. But what could he do? अब जो अल्लू था उसको तो मालूम था कि उसने उसके साथ पहले गलत किया है तो हो सकता है कि जुम्मन भी उससे रिवेंज लेना चाहता हो. ठीक है. तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया अल्लू किसका नाम सुनकर जुम्मन का नाम सुनकर because he was his friend. He is his friend. The moment जुम्मन became head punch, he realized his responsibility as judge. एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है. अब क्योंकि जुम्मन जो था उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी. ठीक है कि उसको जो है सही डिसीजन लेना है. अगेन ही इज द जज नाउ. ठीक है. कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. ही थॉट एंड थॉट. कहते हैं कि क्या उसको भी रिवेंज लेने के बारे में सोचना चाहिए अल्लू चौधरी से. नो ही मस्ट नॉट. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. He must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. लेकिन उसकी जो personal feeling थी वो उसके रास्ते में justice के रास्ते में नहीं आई. ठीक है. उसने revenge के बारे में नहीं सोचा अल्लू चौधरी से revenge लेने के बारे में. Both Alku and Sahu stated their cases. दोनों ने अपने cases सुनाए. किस किस ने? Alku और Sahu ने. पहले केस किसका था? जुम्मन. एंड किसका था? आंट. ओल्ड आंट. अब जो है जुम्मन यहाँ पे केस जो है किसका चल रहा है पंचायत में? अल्लू एंड साहू. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली. ठीक है. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अल्लू द प्राइस ऑफ द बुल. अब जो है जुम्मन क्योंकि वो रिवेंज लेना चाह रहा था लेकिन वो जस्टिस के सामने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं रखना चाहता था. उसने बहुत सही डिसीजन किया एंड व्हाट ही सेड इन द पंचायत दैट द साहू हैज टू पे द मनी फॉर द बुल कि साहू को जो है मनी पे करनी चाहिए बुल के. ठीक है. सो इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अल्लू The price of the bull. When Sahu bought the bull, it suffered from no disability or disease. कहते क्योंकि जब वो बुल्क लेके आया था तब तो जो है बुल्क बिल्कुल ठीक ठाक था. कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी. कोई डिजीज नहीं था. वो बिल्कुल सही था. ठीक है. The death of the bull was unfortunate. कि तो अचानक से हो गई डेथ तो बुल्क.
होगी, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। किसका फॉल्ट नहीं है? अल्लू का। बट अल्लू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, कि उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता फॉर द डेथ ऑफ द बुल। अल्लू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अब अल्लू जो है अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाया और खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता है। व्हाट ही इज सेइंग, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। कहते हैं कि जीत हुई है आज पंचायत की, और जो भगवान है और ये बिल्कुल जस्टिस है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है जुम्मन ने, एंड गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि भगवान ही रहता है पंचों की वॉइस में। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अल्लू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, Since the last panchayat, I had become your enemy, है ना? जुम्मन जो है अल्लू के पास आता है, उसे गले मिलता है और उसको आके कहता है कि जब हमारी लास्ट पंचायत हुई थी तब से जो है हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, ठीक है? Today I realized what it meant to be a punch, कहते हैं कि आज मुझे ये realize हुआ है कि एक punch का मतलब क्या होता है, ठीक है? A punch has no friend, no, nor enemy. पंच का कोई मित्र नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। He knows only justice. उसको तो क्या करना चाहिए? हमेशा justice करनी चाहिए। He has to take the right decision for everyone. ठीक है? Let no one deviate from the path of justice. ठीक है? And truth for friendship or enmity. और किसी को भी जो है deviate, deviate मतलब move. Thank you.